अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ये है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। पार्टिसिपल्स हमारे पास तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो कि एक एडजेक्टिव को शो करता है, जैसे अ स्लीपिंग किड, अ रनिंग डॉग यानी कि एक भागता हुआ कुत्ता, ये उसकी क्वालिटी है। स्लीपिंग किड, सोता हुआ बच्चा, ये उसकी क्वालिटी है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव सेकंड टाइप है जो कि उसकी हालत को डिफाइन करता है जो उससे बीती हुई है, जो गुजर चुकी है। फॉर एग्जांपल, इंजर्ड, एन इंजर्ड मैन, अ यूज्ड मोबाइल यानी कि इस्तेमाल हुआ हुआ मोबाइल, अ डिवोर्स्ड वुमेन, इसका मतलब वुमेन इसका मतलब है कि एक तलाक याफ्ता औरत यानी कि तलाक हुई हुई। इसी तरीके से इसका जो थर्ड टाइप आती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल की आती है जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो एक एक्शन के साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एक एक्शन के फौरन बाद दूसरा एक्शन होता है। उर्दू में आइडेंटिटी इसकी आमतौर पर यह आता है, लड़कर, पढ़कर, सोकर, जाकर, आकर, खाकर, कोई भी एक्शन कर कर, जब हम कहते हैं करने के बाद, नहीं, दिस इज द डिफरेंस, कर कर। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वॉच टीवी, ही स्लैप, टीवी देख कर वो सो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, ही मेड अ गुड स्कोर, सॉरी, हैविंग मेड अ गुड स्कोर, पाकिस्तान कैन विन द मैच। अच्छा स्कोर बनाकर, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है, अच्छा स्कोर बनाकर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, यानी कि हैविंग मेड अ गुड स्कोर, एक अच्छा स्कोर बनाकर। तो मैं आपको आइडेंटिटी जो बताने की कोशिश कर रहा था, कर का लफ्ज़ आएगा, बना कर, खा कर, सो कर। तो इसी तरीके से हैविंग मेड अ गुड स्कोर, एक अच्छा स्कोर बना कर, तो फिर आगे, फिर इसी तरीके से हैविंग डन ऑल द क्वेश्चंस, तमाम सवालात कर कर यानी कि सॉल्व कर कर कह लें, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, हैविंग सॉल्वड ऑल द क्वेश्चंस यू कैन गेट फर्स्ट पोजिशन, तुम पहली पोजिशन हासिल कर सकते हो, या इसको ये कह लें कि ठीक है, ये एग्जाम्पल भी, हैविंग डन ऑल द क्वेश्चंस, तमाम सवालात हल कर कर, हैविंग सॉल्वड ऑल द क्वेश्चन यू कैन गेट अ गुड नंबर, आप कह सकते हैं। सो कोई भी काम कर कर अगला एक्शन क्या होता है, उस सूरत हाल में आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का, जिसको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करने के लिए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।